यहाँ पे ना बंदर पकने ही नहीं दे रहे हैं। मतलब यार कसम से इतने बंदर आ रहे हैं ना, आपको क्या ही बताऊँ। ये देखिए लच्छे लच्छे स्ट्रॉबेरी लग रखे हैं, लेकिन गर्मियों के दिन है ना गाइस, दोपहर में ऐसे मतलब पहाड़ी मट्ठा पीने का ना अलग ही टेस्ट, अलग ही मजा होता है। शीतला देवी जो है वो कुमाऊं संस्कृति से जुड़े हुए लोकगीत ही ज्यादातर गाती है। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देवता चितना धरही हनुमत से ही सर्व सुख कर, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार देवभूमि उत्तराखंड के खरई क्षेत्र से। पहले आप सभी देखने वाले बड़े लोगों को मेरा प्यार भरा प्यार और छोटे को ढेर सारा प्यार। तो गाइज आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के 7 बजे से, और अभी इस टाइम हम लोगों ने नाश्ता कर लिया है। आजकल हमारे घर के सभी मेम्बर्स हल्द्वानी गए हुए हैं, तो घर में मैं और मेरे 2 बच्चे हैं। आज के बाबा भी चले गए हैं ड्यूटी में। अभी गाइस सबसे पहले यहाँ पे आंगन में झाड़ू लगा लेती हूँ। आज तक ना रश्मि घर में थी तो रोज रश्मि आंगन में झाड़ू लगाती थी। जब से हल्द्वानी गई ना तब से रोज आंगन में झाड़ू ना मेरे को लगाना पड़ रहा है, तो आंगन में फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद मिलूंगी आप सभी। तो गाइस यहाँ पे मौसम की बात की जाए तो आज हल्के फुल्के फिर से बादल हैं, और अभी इस टाइम बहुत तेज धूप है और बहुत तेज ना हवा भी आ रही है। वो वहाँ साइड आप लोग देख सकते हैं, यह है पूरे बांस के पेड़, और से ना बांस के पेड़ भी ना पलटी कर रहे हैं, मतलब इधर उधर झूम रहे हैं। बाकी आजकल पहाड़ों का नज़ारा क्या ही कहें आपसे, कुछ इस तरह से हरे भरे हो गए हैं पहाड़ परसों जो बारिश हुई उसके कारण। तो चलिए जी सबसे पहले यहाँ पे मॉर्निंग में ही जो आ रखा है पानी, तो थोड़ा बहुत पानी मैं यहाँ पे खेतों में डालूंगी, जो भिंडी मूली वगैरह हमने लगा रखी है, क्योंकि ताज़ा ताज़ा पानी सुबह का ठंडा ठंडा वाला आता है, शाम के टाइम तो पानी गुनगुना जैसा हो रहता है। गाइस फाइनली मैंने यहाँ पे इस वाले खेत पे पानी डाल दिया है। इसमें है शिमला मिर्ची, बैगन, मूली, भिंडी, सभी चीज़ मिक्स करके हमने लगा रखी है। बाकी बीच बीच में गडरी के पेड़ भी है, और यहाँ पर एक हमारा लौकी का पेड़ है। यह है हमारा लौकी का पेड़ जो आजकल ना थोड़ा बहुत बड़ा होने लग गया है, और साथ में है ना कड़वे वाले करेले का बेल यहाँ पे, और यहीं पे बगल में जस्ट आप लोग देख सकते हैं ये है गुड़हल का पेड़। आजकल ना इसके फूल खिल रखे हैं तो बड़ा मस्त सा लग रहा है। तो ये है गुलाब का पेड़, और ना फूल खिले ही रहते हैं, मतलब क्या ही बात की है इसकी। ये के सीधे जस्ट आगे से है, और ये ना अम्मा जी ने लगा रखा था, रोज पूजा के टाइम ना हम इसके फूल इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये साइड साइड में मैंने जो फूल लगा रखे हैं, ये मैं लाई थी भीमताल से खिला हुआ फूल। मैं भी रोज, मेरा मतलब यही काम है कि रोज मॉर्निंग में पानी डालना, ताजा ताजा वाला पानी, और ये वाले फूल भी बड़े मस्त लग रहे हैं रानी कलर के जैसे। तो यहाँ पे मैंने बगल में लगा रखा है पुदीना, पुदीना के जस्ट बगल में फिर से वही वाला फूल फैल रखा है बहुत ज्यादा। ये देखिए जम के मैं रोज मतलब गाइस इनमें पानी डालती हूँ, ये आप लोग देख सकते हैं साइड साइड में ना पूरा पुदीना ही पुदीना है। ये पुदीना हमारा एकदम से साफ सुथरा वाला है, क्योंकि रोज इसकी धुलाई होती है जब जब पानी आता है। बाकी पुदीना है साइड भी बहुत ज़्यादा, जो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे लोगों के घर में पुदीना वैसे नहीं होता है, तो यहाँ पे हमारा पुदीना इतना ज़्यादा फैल रखा है। तो और थोड़ी बहुत मैं इसकी सिंचाई भी रोज़ डेली करती हूँ सुबह शाम। इसमें भी है मूली, बीन्स, भिंडी वगैरह सभी चीज़ मिक्स हमने इसमें भी बो रखी है। लग रही है एक बार जूम करके दिखा दे, मतलब बंदरों का इतना ज़्यादा आतंक है ना, मतलब ये लौकी फर्स्ट वाली नमालम हम खाएंगे ना जाने बंदर खाएंगे मुझे नहीं पता। इस वाले खेत में भी मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारे घर के सभी मेंबर्स हल्द्वानी गए हुए हैं, तो अभी पानी आ रखा है, तो इस खेत की भी मैं सिंचाई कर लेती हूँ यहाँ पे लगे हाथों। ये सीधे जस्ट जड़ में ना मतलब बहुत सारे तोरई के पेड़ लगा रखे हैं, पूरे तोरई के ही बेल है जो ऊपर की तरफ आ रहे हैं। कि देवर जी ने यहाँ पे ना तोरई के बेलों के सहारे के लिए ना इतने ज्यादा लकड़ियाँ गैट रखी है, मतलब खोद के उनको खड़ा कर रखा है ताकि बेल बड़े बड़े होते जाए और इनमें आसानी से बेल फैले। है टमाटर का पेड़, इसमें ना बड़े बड़े टमाटर लग रखे हैं, बंदर बहुत ज्यादा आ जाते हैं, टमाटर कच्चे खा जाते हैं, इसीलिए कुछ इस तरह से ना रस्में इनको बंद करके। तो गाइस अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि हर चीज़ों को बंदर खा के तोड़ के ले जाते हैं बोल रही है करके, हाँ ऐसा ही होता है, मतलब इतनी तेज़ धूप इतने लंबे दिन में मतलब जितना भी हमसे होता है हम बंदरों को भगाते हैं,
लेकिन दोपहर में मतलब दिन भर एक गया तो दूसरा, एक गया तो दूसरा, मतलब लगातार बंदरों का आतंक इतना ज्यादा है कि वहां से भगाए तो यहाँ से तोड़ के ले जाते हैं। मतलब वहां से अगर बीन से तोड़ के तोड़ने के लिए खेत में गए होते हैं ना बंदर, तो यहाँ से स्ट्रॉबेरी तोड़ के ले जाते हैं। मतलब बहुत ज्यादा आते हैं, जितना भी उनके हाथ लगता है खूब बन रहे हो करजनी मतलब। तो बाकी हम अपनी तरफ से खूब ज्यादा बंदर भगाते हैं लेकिन फिर भी हार जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा घर आज कितना सुना सुना लग रहा है। सभी लोग हमारे घर के हल्द्वानी गए हुए हैं, जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया, तो वो गए हैं हल्द्वानी किसी काम के लिए, आएंगे एक आध हफ्ते के बाद। तो घर इतना सुना सुना लग रहा है ना, आपको क्या ही बताऊं। अभी इस टाइम आयुष के पापा भी ना ड्यूटी की तरफ चले गए हैं, और यहाँ पे बच्चे और मैं, हम तीनों हैं। हमारा अभी का मतलब दिन भर यही काम है, मतलब यही छुट्टियां पढ़ रखी है, किताब निकालने का ना नामो निशान नहीं है। कहाँ को जा रहा है, पैर में दबा देगा क्या साइकिल, कहाँ जा रहा? गोलू ढूंढ जान है या हर्षू ढूंढ जान से बता दे, हैं? गोलू अभी आ जाएगा या गोलू को कहा होगा ना इतने बजे आ जाना हमारे घर में। तो यहाँ पे अभी आंगन में घूम रहा है, साइकिल घुमा रहा है मतलब। बाकी मैंने यहाँ पे अपनी बकरियां भी ना सुबह सुबह के टाइम में बाहर बात दी थी, तो इन्होंने जितनी भी मैंने कल हरी घास काट रखी थी सब इन्होंने खा दी, सब हवाले कर लो। मतलब एक डिपुआई गोट धर रही मीन दबावेर, तो आई मीन इन्हें दौड़ है सूखी वाला घाटा ले लो। आजकल तो हमारे टाइशन के देख सकता जब बड़ी हमून बाद मतलब तब बड़ी बहुत ज्यादा चिल्लाना चाहिए बहुत ज्यादा, तो अब ना उनको पत्ते लगोगी मेरे को बाद भी रोड से है ना, अब पता लग गया ना बात की रहना करके है ना, है ना। तो गाइस आजकल ना बड़ा बड़ा जैसे भी होने लग गया, देखो तो बड़ा हो रहा है वैसे ही है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आजकल जैसे कि ना स्ट्रॉबेरी होती है, बनती है, पकती है, मतलब पक के तैयार होती है गर्मी के दिनों में, तो यहाँ पे ना बंदर पकने ही नहीं दे रही है। मतलब यार कसम से इतने बंदर आ रहे हैं ना, आपको क्या ही बताऊं। ये देखिए लच्छे लच्छे स्ट्रॉबेरी लग रखे है, लेकिन सब ना बंदरों के हवाले होते हैं। इतने तो हो रखे है, इससे थोड़े से बड़े होते हैं ना तो बंदर ना कच्चे ही तोड़ के लेके जा रहे हैं, एक एक को भी पकने नहीं दे रहे हैं, सब कच्चे बंदरों के हवाले है। बाकी इस वाले कनिस्टर में लगा रखा है एलोवेरा, जो बड़ा वाला एलोवेरा है जो बहुत ज्यादा काम आता है, इसके ना बहुत ज्यादा प्रोडक्ट भी बनते हैं। और गाइस यहाँ पे ना एक फल ये वाला भी पक रखा है, आधे कच्चे ही है मतलब हरे है, आधे पक रखे है, तो ये भी एक प्रकार का फल है। बचपन में हम इनको बहुत ज्यादा खाते थे, लेकिन यहाँ पे इनको बंदर नहीं खा रहे है क्योंकि ये बहुत छोटा इनका साइज है, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं, खट्टे मीठे होते हैं ये। बाकी इस वाले कनिस्टर में भी ना अम्मा जी ने वो एलोवेरा लगा रखी थी, ये है पतली छोटी वाली एलोवेरा, मतलब पतले पत्ते वाली एलोवेरा, और वो है बड़ी वाली एलोवेरा। गाइस ये बहुत ज्यादा काम आता है, हर किसी के घर में होगा वैसे ये वाला एलोवेरा, जला कटा कहीं भी कुछ होता है ना तो एकदम से घाव को खत्म कर देता है, तो इसीलिए लोग अपने घरों में अपने छतों में ना एलोवेरा मतलब एक गमले में जरूर लगाए रखते हैं। तो हमने यहाँ पे ना दो दो तीन तीन गमलों में कनिस्टर काट के इनमें भी एलोवेरा लगा रखा है, बीच बीच में जम रखी है चलमड़ी, तो इनको भी मैं निकालते रहती हूँ जब जब मैं पानी डालती हूँ, फिर से हो जाते हैं। गाइस एलोवेरा बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, इसकी जितनी तारीफ हम करें ना उतनी कम है। मतलब इसका जूस भी काम आता है, पीते हैं जूस को भी। बाकी मुंह में कभी दाने हो गए या मुंह मतलब रुखा रुखा हो गया तो इसका रस निकाल के ऐसे तोड़ के मतलब हम घर ही में ऐसे ऐसे यूज करते हैं, तो बाकी इसकी बहुत ज्यादा मतलब फायदेमंद है, जितनी तारीफ करें उतना कम है एलोवेरा की यहाँ पे। तो इसीलिए सभी के घरों में वैसे एलोवेरा तो होता ही होगा, लोग छोटे छोटे गमलों में अपने छत के ऊपर लगाए रखते हैं। तो हमने यहाँ पे छोटी वाले एलोवेरा भी मतलब और बड़ी वाली भी लगा रखी है, मतलब मैंने नहीं लगा रखी है भाई, मेरी सासू जी ने लगा रखी है, अम्मा जी ने लगा रखी है, बाकी स्ट्रॉबेरी मैंने ही लगा रखी है। सांसों में बस जाए वादियों।
मैं जुड़ गई हूँ यहाँ पे किचन में दोपहर का लंच बनाने में। और दोपहर के ना 11 बजने ही वाले हैं और यहाँ पे मैंने झोली रख दी है। आज मैं फिर से यहाँ पे ना झोली बना रही हूँ क्योंकि ना आयुष के पापा घर में खाने के लिए आने वाले हैं नहीं। और ये है झोली और मिलबटी मीन मी एक मुँह थे इस बेर डाले लो मुँह झोली मेरे को बहुत ज्यादा पसंद छू जो मैं हर बार बनाते रहूँ। तो एल इस टाइम में इला बनूंगी नंदी ने लीजिए लस्सी। आप लोग देख सकते तो लस्सी वैसे ज्यादातर नमक और मिर्च वाली लस्सी बहुत ज्यादा सेहतमंद रहती है सभी के लिए, चीनी वाली नहीं। लेकिन मेरे बच्चे ना मानते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे अभी है कैमरामैन, अभी अभी से पूछ लेते हैं, अभी लस्सी में चीनी डालू या नून डालू बता तो। है चीनी तो यह है चीनी का बीमार, चीनी का रोगी है ये। तो इसके लिए ना जरूरी इसमें चीनी डालनी पड़ेगी वरना घर में ना मतलब ऐसा हो जाएगा क्या ही बताऊं मैं आपको। बहुत ही ज्यादा टेस्टी ताजी ताजी छाछ है, खट्टी भी नहीं हो रखी है वैसे। तो इसमें चीनी डाल के इसको मिला के बच्चों को दे देती हूँ। आजकल गर्मियों के दिन है ना गाइस, दोपहर में ऐसे मतलब पहाड़ी मट्ठा पीने का ना अलग ही टेस्ट अलग ही मजा होता है जो आप सभी लोगों को पता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ना फिर से लस्सी बना रही हूँ। हमारे वहाँ फ्री में गाय भैंस पीते हैं गाइस, अगर जिसकी भैंस ब्याई रहती है ना तो छाछ ज्यादातर पहाड़ में सभी के मतलब गाय भैंस होती ही है। कोई कोई ले जाते हैं छाछ वाँस वरना गाय भैंसों को दे देते हैं गिरा देते हैं। लेकिन इसका कितना बड़ा महत्व है शहरों में आप सभी को पता ही है। 20 रुपए का एक पैकेट मिलता है छाछ का लस्सी का, वो चूसते चूसते लोग गर्मियों में जाते हैं, मैंने बहुत बार देख रखे है। लस्सी गए मट्ठा गए हम कैमरा मैन कल बाल काट के लाया है, आप लोग देख सकते हैं साइड से कट भी मार रखा है। अब इतना फैशन में उतर रहा है इतनी छोटी सी उम्र में। ये लागे अपने दादा के लिए यहाँ पे मट्ठा, कैमरा मैन ने दे दिया है, दे दी अपने दादा को लस्सी मट्ठा जो गिरा दिया है अपने पैजामे में। थोड़ा सा मैं भी पी ली थी, क्या हो रहा था अब बोल क्या गिरा था कैसा हो रहा है? आज नमक डाल रखा था मैंने, अच्छा नहीं हुआ है, चीनी वाला बढ़िया होता है। तो वैसे तो मैंने चीनी डाल रखी है फिर गजब बेइज्जती। ये कहाँ जा रहा है चीनी लाने के लिए ना, 1 किलो चीनी का 2 दिन नहीं धरना है 2 दिन। पहले बता मम्मी से रे बोलते हैं मम्मी, ये भी मम्मा सॉरी बोलो, पहले बोलो सॉरी मम्मा। हाँ कौन सा नेहा कक्कर का गाना चड़ी वाला वो आजकल हमारा आयुष सोनचड़ी वाला। हाँ हाँ सुना है, हाँ पूरा नहीं सुना है आधा ही सुना है। क्यों बागेश्वर की तो है वो राजूला मालूसाई वाला, क्यों आज उसके बारे में क्यों पूछा? ये ला गया है दोबारा से चीनी। अरे क्या है यार तू लान सकेगा खुद में? तू गया तो था ना लान जाए खुद लान था। राजूला मालूसाई के लिए पूछने है मतलब? वो एक राजा था राजूला। फिर बता दे थोड़ी बहुत अगर तेरे को स्टोरी पता है तो, मुझे नहीं है। तो गाइस दोपहर का 12 बज चुका है और अभी यहाँ पे जैसे कि आयुष ने कहा कि मम्मी तूने राजूला मालूसाई वाला गाना पूरा सुनाया करके, तो मैंने वो गाना पूरा नहीं सुन रखा है, आधा ही सुन रखा है मतलब। तो उसकी कहानी राजूला मालूसाई की कहानी जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, एक प्रेम कहानी थी, राजूला एक लड़की थी मालूसाई एक लड़का था, तो वो दोनों राजाओं के संतान थे। उनकी कहानी थोड़ी बहुत मैंने बहुत पहले सुन रखी थी, अभी मैंने नहीं सुनी है, मुझे उतना नहीं पता है इसके बारे में। बाकी बात आती है यहाँ पे कमला देवी की जो बागेश्वर से बिलोंग करती हैं, वो स्टूडियो भारत में उनका आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, आप सभी देख ही रहे होंगे, आप सभी को पता ही है। तो उनके बारे में अभी यहाँ पे आयुष मेरे से पूछ रहा था। तो देखिए पहाड़ों में भी ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, ऐसी ऐसी औरतें होती हैं जो अपने पहाड़ से निकलती हुई बाहर को निकलती हैं। तो कमला देवी भवाली में रहती थी, वहाँ पे चाय बना के चाय बेचती थी और कोई उन्होंने अपने मतलब उसमें बोल रखा है। तो भवाली तो हमारा आम रास्ता हुआ, जैसे पुलिस वाला आता है कोई मतलब और कर्मचारी लोग आते हैं, चाय मैं उनको पिलाती हूँ और चाय के साथ साथ एक छोटा सा गाना आंटी जी हमको सुना दो अपने भाषा में करके, तो सभी को अपने गाने से उनका मन मोहित कर देती थी। मतलब बहुत अच्छा गाना गाती थी राजूला मालूसाही। कमला देवी जो है वो कुमाऊं संस्कृति से जुड़े हुए लोकगीत ही ज्यादातर गाती है, हुड़ुक भी बजाती है हुड़ुक के साथ साथ, मतलब भगनौल झोड़ा चाचरी जागर सभी वो गाती हैं। इस प्रकार के उत्तराखंड में लोग भी हैं जो मतलब इस उम्र में भी कमला देवी ने इतना बड़ा अपना नाम रोशन किया। 15 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने पापा से मतलब कुमाऊनी के हर गीत को
एकदम से कैच कर लिया था, सीख लिया था मतलब हर गाने को। तो उन्हीं के बारे में अभी यहाँ पे मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि आयुष मेरे से पूछ रहा था, मैंने मतलब यही कहना था मेरा कि मैंने उनका पूरा गाना नहीं सुन रखा है। रील्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आजकल उनके हैं तो मैं देखती हूँ हर बार, उनको लाइक करती हूँ, फॉलो भी किया है। तो उनको मेरी तरफ से यहाँ पे सैल्यूट है, बाकी मेरे बच्चों की तरफ से भी सैल्यूट है। उन्होंने इतना नाम रोशन किया अपना भी, पूरे उत्तराखंड वालों का भी, और बाकी और महिलाओं को भी एक मैसेज दिया कि हम लोग काम करते करते कुछ ना कुछ मतलब हासिल कर सकते हैं, अपनी कलाकृति को आगे को बढ़ा सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, कहीं से भी कोई भी सक्सेस हो सकता है। बिहार की महिलाएं जो है ना मल्टी टैलेंटेड होती ही है वाकई में, क्योंकि हर किसी को एक न एक कुछ ना कुछ हुनर होता है, कारोबार के साथ साथ करते करते मतलब कारोबार करते करते घर संभालते संभालते गाय भैंस पालते पालते मतलब कुछ जीवन शैली कमला देवी आंटी की भी थी। अभी मैं इस जिक्र को यहाँ पे कर नहीं रही थी, लेकिन आयुष ने मुझे याद दिला दिया, मेरे बेटे ने मुझे याद दिला दिया उसके बारे में, गाना के बारे में मतलब, इसीलिए मैंने एक दो शब्द सोचा कि मैं भी बोल लूँ ऐसा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड पहला।